अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन से तबाह रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने, बिल्डरों ने दाखिल किया पिटीशन, पूर्व सीएम फडणवीस से भी अपील, मोदी सरकार से दिलाएं राहत। 75 दिनों के लंबे लॉकडाउन के कारण सर्वाधिक रोजगार देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर आर्थिक संकट में उलझ गया है। बिल्डरों ने इस महासंकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम रिवाइव रियल एस्टेट रिवाइव इकोनॉमी नामक एक पिटीशन दाखिल किया है और राहत दिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने की अपील की है। मंगलवार को बिल्डरों के संगठन एमएमआर एक्शन कमेटी के चेयरमैन अजय अस्टर ने वेबिनार के जरिए राज्य के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के सामने यह पिटीशन सौंपा और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए तबाही से राहत दिलाने की मांग की। एवरीवन हैज नाउ गॉट इनटू अ फाइनेंशियल टैंगल बिकॉज ऑल अवर प्रॉपर्टीज ऑफ टुडेज, ऑल अवर राइट्स, अवर फ्यूचर राइट्स विथ अ राइट टू इवन यू नो, हम आगे जो भी करेंगे सब कुछ हमारे बैंकर्स के पास है and there is no way out but to succumb to all these pressures. Sir, इसीलिए मेरे प्रश्न होते हैं कि ऐसी सिस्टम हम क्यों करें कि जहां पे हमको लैंडिंग ज्यादा लेट से लेना पड़ता है, हमारे पे कंटिन्यूस प्रेशर है। टुडे द मार्जिन, एज आई टोल्ड यू, 25% ROE एंड 22%, द वर्ल्ड ओवर द ROEs ऑफ फाइनेंशियल institutions are in single digit, but here it is 25%. Sir, इसीलिए हमारी request है, why no restructuring should be given to us? Why should not we be given a new lease of life? Why no passing of the interest rate benefit to us by the banks? Why payment of interest during moratorium? Sir, you are our only hope. And if we don't get this relief, we are going to be nowhere. How we will be able to fight the second disease, the financial meltdown, the economy disease? You are our only doctor who can take all its ICU patients, handle them, save us by taking our case to the Honorable Finance Minister and the Honorable Prime Minister. 14 बिल्डर संगठनों की संस्था MMR एक्शन कमेटी ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के सामने बैंकों की मनमानी, होम लोन पर इंटरेस्ट रेट 5% करने, रेरा रजिस्ट्रेशन की अवधि को 12 महीने तक बढ़ाने एवं बिल्डरों को राहत दिलाने संबंधी कई मुद्दे पेश किए। जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने पिटीशन और मांग को जायज मानते हुए भरोसा दिलाया कि वे पीएम मोदी तक मांग को पहुंचाएंगे और सकारात्मक मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। आइए सुनाते हैं पूर्व सीएम ने क्या जवाब दिया। पहले हमारा जो अकाउंट्स के ऊपर आज स्ट्रेस तैयार हुआ है कोविड के कारण, उस स्ट्रेस को रिलीज करने की हमारी मांग है। दूसरा, अफोर्डेबल रेट्स पर लिक्विडिटी प्रोवाइड हो, यह हमारी मांग है। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रेरा और GST, ये दोनों के ट्वीकिंग की हमारी मांग है। और चौथी, हम डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग योजनाओं का विस्तार करते हुए हम डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चार कैटेगरीज में हमने अपनी मांगे रखी हुई है, जिसमें विशेष रूप से हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोगों की मांग है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, इसको मान्यता दी जाए। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश होगी, एक अच्छी पहल होगी अगर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बैंकों का, HFC का, NBFC का बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगा हुआ है, और अब अगर इन एसेट्स का स्ट्रेस
रिलीव नहीं किया जाएगा तो यह सारा का सारा पैसा और तकलीफ में आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये मांग जो आप लोगों ने की है ये काफी लॉजिकल है और निश्चित ही वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मैं फिर एक बार सरकार के पास जाकर और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंकों को उस प्रकार के निर्देश दिए जाए, बैंकों को उस प्रकार से इंडिकेट किया जाए कि दे शुड लुक एट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बात है और विशेष रूप से जो बात आप लोगों ने सामने लाई है कि रेपो रेट तो कम हुआ पर वो पास ऑन नहीं हुआ। द ओनली बैंक विच हैज पास्ड ऑन रेपो रेट इज SBI। अपार्ट फ्रॉम SBI बैंकों ने कुछ खास किया नहीं है और HFC और NBFC ने तो बिल्कुल ही नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर गलत बात है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। RBI ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अभूतपूर्व, आई वुड से अनप्रेसिडेंटेड, इस प्रकार की कटौती रेपो रेट में हुई है। लेकिन अगर बैंकें केवल प्रॉफिट का विचार करेगी, जैसा अजय भाई बता रहे थे कि ROE जो है 22% और 25%, अगर इस प्रकार का विचार केवल होगा तो मुझे लगता है कि ये बड़ा तकलीफ की बात ही होगी और इससे जो इंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो इंटेंशन RBI का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी निश्चित रूप से अक्रॉस द बोर्ड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड पास ऑन द रेपो रेट कट टू ऑल देयर कंज्यूमर्स, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इससे लिक्विडिटी की पोजीशन में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक बात आपने यहां पर रखी है जिसका फॉलोअप हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। इस वेबिनार में MMR रीजन के बिल्डर मधु पाटिल, राजेश प्रजापति, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद इजराइल शेख समेत थाने, रायगढ़ एवं कल्याण क्षेत्र के डेवलपर संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा। उम्मीद है केंद्र और राज्य सरकार बिल्डरों की इस मुसीबत और मुश्किलों पर गंभीरता से ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।